OMG भाई साहब क्या बात है मेरे ओरियो के एक इसका जितना एक ओ भाई दांत देखो इसके नहीं, नहीं, जितना नहीं। इसका एक पंजा है ना इतने में तो मेरा पूरा ओरियो सड़ जाएगा भगवान को इस चीज के लिए भगवान को दांत देनी पड़ेगी ब्रीडर सेकंड है बट भगवान पहले है जिसने इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी बनाई है तो ये ब्लू आइस तो नहीं है मैं तेरा क्या हाल चाल सो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज बहुत टाइम से मुझे डिमांड आ रही थी कि पुलकित भाई जायंट स्टॉक पे एक ब्लॉग बनाए और बताएं कि जायंट स्टॉक को हम घर पे रख सकते हैं कि नहीं स्पेशली केन कोर्सो तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ केन कोर्सो ब्रीड दिखाने तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है तो पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको ब्लॉग शुरू करने से पहले यार एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं जो है बहुत टाइम से है ट्रेडिंग कर रहा हूँ ट्रेडिंग कर पैसे कमा रहा हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ बानो ऐप पे तो बानो ऐप के ना मेरे को सबसे ज्यादा ही फायदा लगता है कि आपको जो ये है आपको ये 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट भी दे रहे हैं जिसके आपको अगर कोई दिक्कत आती है ट्रेडिंग करते हुए तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं तो अगर आपको नहीं पता कि आप बानो ऐप से ट्रेडिंग कर कैसे पैसे कमा सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें यहाँ पर बानो ऐप को डाउनलोड करना है मैंने पहले ही यहाँ पर बानो ऐप को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो जैसे ही आप बानो ऐप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे एक प्रोसेसिंग विंडो खुल जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना आ जाएगा जिसके अंदर एक टाइम टू बाय का काउंटडाउन चल रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पास दो अकाउंट है एक रियल अकाउंट एक डमी अकाउंट डमो अकाउंट है हमारे पास जो है आपको बताया मैंने $1000 मिलते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करके जो है अपनी ट्रेडिंग सुधार सकते हैं तो यहाँ पर मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करनी है जो कि मैं कर रहा हूँ 7000 रुपये की तो मुझे यहाँ क्या करना है सिंपली प्रेडिक्ट करना है कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये ग्राफ है जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर 7000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जैसे कि अभी आपने देखा मैंने जो है यहाँ पर 10640 रुपये कमा लिया है तो बहुत आसानी से इसी तरह आप बानो में ऐप से ट्रेडिंग कर पैसे कमा सकते हैं तो बानो में ऐप में ना कि आप पैसे कमा सकते हैं आप जो इस पैसे को है बहुत इजीली इस फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में और बहुत ज़्यादा इजी है तो किस चीज़ का इंतजार है आप ही बानो में ऐप को डाउनलोड करिए और पैसे कमाइए और फिलहाल जो है अभी मैं चलता हूँ व्लॉग की शुरुआत करते हैं और अभी मैं निकलता हूँ कुरुक्षेत्र के लिए तो बहुत मज़ा आने वाला है तो अभी फिलहाल जो मैं आ चुका हूँ कुरुक्षेत्र में तो आज मैं आपको मिलवाने आया हूँ बहुत टाइम से भैया ब्रीडिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट भैया को आज 15 से 20 साल हो चुके हैं डॉग ब्रीडिंग करते हुए तो अभी मैं आपको मिलवाने लाया हूँ गौरव भैया से कैसे हो भैया बढ़िया भैया आप सुनाइए तो गौरव भैया को ऑलमोस्ट आज 15 से 20 साल हो गए होंगे भैया राइट आपको ब्रीडिंग तो भैया ने तो ब्रीडिंग का स्टैंडर्ड जो इंडिया में है ना बहुत लेवल कर दिया है जो कि जायंट ब्रीड की बात करूँ तो भैया आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपने स्टार्टिंग कब की थी राइट आज से 2002 से करी थी और बॉक्सर से ब्रीडिंग स्टार्ट करी थी ओके और 2004 से मैंने सेंट बर्नार्ड की ब्रीड करा क्या बात और उसके बाद जिसमें मैंने कहीं चैंपियन बनाए आपका जो इंटरनेशनल चैंपियन था थोड़ा उसके बारे में बताओ यार वो इंटरनेशनल चैंपियन गौरव सिम्बा था जो मेरी ब्रीडिंग का था अच्छा अच्छा ठीक है उसका फादर भी मेरी ब्रीडिंग का था उसकी मदर भी क्या मेरी 5th जनरेशन थी जो मैंने इंटरनेशनल चैंपियन गौरव सिम्बा बनाया उसने कई लाइनअप जीते हैं क्या बात है जिसमें लाइनअप में कई ऐसी होती हैं कई आल ब्रीड होती हैं जिसमें सबको बीट करना होता है क्या बात तब एक 8 डॉग होते हैं जो लाइनअप में लगते हैं क्या बात है अच्छा भैया अब फिलहाल जो है आप कौन सी ब्रीड को मतलब आगे लेकर जा रहे हैं फिलहाल ज्यादा मैं मोस्टली पेन कोर्सो और साइबेरियन हस्की को आगे प्रमोट कर रहा हूँ ओके तो भैया अब आपके पास एक इम्पोर्ट डॉग है शायद राइट केन कोर्सो यूक्रेन इम्पोर्ट है और इंडियन चैंपियन है क्या बात है तो अभी आप उसको मंगवाए कहाँ पर है फिलहाल वो अभी मेरे रूम में है मैं मंगवा देता हूँ तो भैया ना अभी अंदर गए हैं फिलहाल डॉग को लेने तो अभी भैया उसको डॉग को अंदर से लेकर आएंगे तो तुम डॉग देखना तुम एक एक बार ना OMG भाई साहब क्या बात है अच्छा अब कोई इसको देख के कह नहीं सकता कि ये मतलब एक टाइप से पूरा प्रॉपर लॉयन लग रहा है शेर जतिन क्या आपका क्या इसके ऊपर टिप्पणी है बहुत खतरनाक है बस इतना ही होगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है फ्रेंडली है खतरनाक नहीं है फैमिली डॉग है अच्छा ये फैमिली डॉग है राइट फैमिली डॉग है अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ इजी रख सकते हैं क्या बात है मैं सर्च करिए आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या नाम है इसका पर्श
क्या नाम? पर्श, पर्श. पर्श. तो आपने बड़ा इंपोर्ट कराया था इसको, पप्पी लेकर आया था? इंपोर्ट करवाया था, ये नियर 17 मंथ का था ये. अच्छा, पर्श भाई भाई भाई, ओके. नहीं, बहुत बहुत फ्रेंडली है यार ये. जिस हिसाब से इसकी कितनी हाइट और क्या कितना होगा? ये 13 इंच इसकी हाइट है और 65 या 70 केजी अराउंड वेट है इसका. अच्छा, और बहुत फ्रेंडली है यार. एक बात बताऊं, मैं बताऊं मेरे ओरियो के एक इसका जितना एक, ओ भाई दांत देखो इसके, नहीं, नहीं, जितना नहीं. इसके एक पंजा है ना, इतने में तो मेरा पूरा ओरियो सड़ जाएगा. ये तो एक ही बारी में घटक जाएगा ओरियो को. बिल्कुल फ्रेंडली है, देखिए. अरे भैया ने खुला छोड़ दिया. मैं डॉग से यूजुअली डरता नहीं हूँ, बट इसको देख के ना, अरे क्या बात है भैया, बहुत नाइस यार. फैमिली डॉग है ये, आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे. आप देखिए फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो भैया इसका ब्रीडिंग स्टैंडर्ड क्या रहता है अगर किसी को पप्पी लेना है तो? कैसे इसको मेजर, क्योंकि ये ब्रीड बहुत रेयर है आज के टाइम में, राइट? और इसका मेन है इसकी बोन साइज होनी चाहिए. देखिए जैसे इसकी हैवी बोन है, क्या ठीक है, बोन साइज देखिए आप कितनी बढ़िया है. जो इसका हेड टाइप है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए. क्या बात है, ठीक है सर. और इसकी टॉप लाइन है जो बिल्कुल हो, जो ये जो अथाई देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे मैस्टिफ ब्रीड है, इटालियन मैस्टिफ है ये. अच्छा अच्छा, पूरा मस्कुलर होना चाहिए. देखिए चेस्ट देखिए आप, क्या बिल्कुल बढ़िया है ये. चल भाई जल्दी हाथ लगा, हाथ लगाओ, हाँ टच करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं. बड़े प्यार से, प्यार से कर भाई, काट गया ना. नहीं लगा लिया भाई. अभी इसके साथ एक फोटो, अभी मैं इसके साथ ना कुछ फोटोज करा रहा हूँ और वो फोटो मैं पाऊंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे. और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो. और स्पेशली भैया का भी इंस्टाग्राम है, तो भैया का इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में. इसमें इसकी खतरनाक खतरनाक फोटोज हैं, तो जिनको वो फोटोज देखने हैं वो भैया को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. तो अभी भैया इसको बाहर घुमाने लेकर आए हैं. तो भैया इसको जब आप बाहर घुमाते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को. ये किसी को अटैक तो नहीं करता जैसे कोई चलते फिरते? बिल्कुल फ्रेंडली है. आपको आप फर्स्ट टाइम मिले, आपको अटैक ही नहीं कर रही है. बिल्कुल पॉइंट है. तो ये इसको देखो, लोग देखते हैं जैसे ही आता है, लोग साथ के साथ रुक जाते हैं. ये इस ब्रीड की बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अट्रैक्टिव ब्रीड है यार ये. अभी भैया ना जो है केन कोर्सो का एक पप्पी लेकर आए हैं जो खुद के लिए वो तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि पप्पी जो केन कोर्सो होता है वो कैसा लगता है. भैया ये कितने मंथ का पप्पी है? 3 मंथ ओल्ड है. ओके, तो किस को, इसका फादर कौन है? राइट, ब्रीडिंग में जो यूक्रेन इम्पोर्ट है. ओके, वो देखो ये कितना एक्टिव है, देखो एक्टिविटी देखो इसकी. तो भैया ये जो केन कोर्सो ब्रीड है इसका पप्पी एक कितने का मिल जाता है मार्केट में? देखिए बाहर मार्केट में 1 लाख रुपए प्लस पपी है. ओके, हाँ जी. और वैसे वैल्यू फिर वो उसके हिसाब से कि कैसी पेडिग्री है, राइट? कैसी पेडिग्री है, फादर कैसा है, मदर कैसी है, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है. जो अच्छी पेडिग्री का बच्चा होगा वो आपको 1 लाख प्लस ही मिलेगा. अच्छा, तो भैया एक चीज़ और बताओ, लाइक अगर किसी ने पपी लेना हो तो आप हर बंदे को पपी दे देते हैं? नहीं, मैं हर बंदे को नहीं देता पपी. मैं देखता हूँ कि वो उसको रख भी सकेगा अच्छे ढंग से, उसकी देखभाल भी कर सकेगा. क्यों, आपने अगर डॉग लेना है तो सोच समझ के लेना कि उसको आप टाइम भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने अपनी राय बता रहा हूँ. जो बच्चों के शौक के लिए लेते हैं मैं उनको डॉग नहीं देता. अच्छा, हाँ. क्या बात, क्योंकि वो बच्चे होते हैं छोटे, उनका 10 दिन में शौक पूरा हो जाता है, फिर डॉग की बेकदरी हो जाती है. या पॉइंट, बिल्कुल. सो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ हस्की, जो कि इनकी है अमेरिकन यूएसए इम्पोर्ट, राइट? इंडियन चैंपियन और यूएसए से इम्पोर्ट इनका हस्की मेल है. और इतना सुंदर मेल है, टचवुड बहुत प्यारा लगेगा आप सभी को देख के. तो ये देखो, ये रहा भाई वो सुंदर हस्की, क्या बात है यार. मतलब गॉड इज द बिगेस्ट यू नो आर्टिस्ट, और भगवान ने जो इसको तराशा है ना बहुत बढ़िया यार. ये देखो इसकी आईज देखो, वाह क्या. मतलब भगवान को इस चीज़ के लिए भगवान को दाद देनी पड़ेगी. ब्रीडर सेकंड है बट भगवान पहले है, जिसने इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी बनाई है. तो ये ब्लू आईज तो नहीं है ये कौन? ब्लू आईज है. पर ये ब्लू आईज वाइट कैसे पूरा सारी? ये स्काई ब्लू में आती है, जब पपी होता है डार्क ब्लू में होती है. अच्छा, तो भैया ये कहाँ से प्रॉपर एग्जैक्ट? ये यूएसए से मंगवाया है. अच्छा, इनफिश कैनल है वहाँ से आया हुआ है ये. अच्छा, क्या? हाँ, ये हस्की में टॉप बेस्ट 5 कैनल है वर्ल्ड में. ओके, वहाँ से एक उस कैनल से ये डॉग है. कान देखो यार, इसका ब्रीड स्टैंडर्ड इतना अच्छा है और इतने अच्छे से प्रॉपर ये खड़ा है. तो भैया एक चीज़ बताओ यार, हस्की के लेके ना बहुत सारे मिथ हैं. मिथ इन सेंस ये है कि लोग कहते हैं हस्की को, मैं मानता हूँ हस्की सर्दी में रहने वाली ब्रीड है, साइबेरिया जैसी ठंडी जगह जो होती है उसमें रहने वाली ब्रीड है. आप यहाँ पर उसको नॉर्थ में रख रहे हैं, तो आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे नॉर्मली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए कूलर या एसी चाहिए हो, एसी बेस्ट है. और कूलर में भी ये पूरा रहता है, जहाँ अपने घर का यानी कि जो टेम्परेचर है वो अच्छा होना चाहिए, धूप में नहीं होना चाहिए बस. ओके, तो ये देखो भैया ने इसको खुला छोड़ा है.
तो ये ब्रीड में है बस यही, इस ब्रीड को लेके ना बहुत लोगों के बहुत सारे विचार है, तो हम इस चीज को ज्यादा खुरेदेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। ये जो है ब्रीडिंग करते हैं, और हस्की जो है मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छी ब्रीड लगती है, बट यही बात है कि भैया इसको ज्यादा गर्मी में नहीं रखना हमने, राइट? नहीं, ज्यादा गर्मी में नहीं रखना, ज्यादा ह्यूमिडिटी जो एरिया है उसमें नहीं रखना। अच्छा, मतलब कि ऐसा एरिया हो जहाँ पे मौसम अच्छा रहे। बिल्कुल, मौसम अच्छा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ले ले तो ये है फीमेल। अच्छा अच्छा, लो 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 जी, लो 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 भाई, लो माल को लो। तो भैया ये कितने टाइम की फीमेल होगी? ये है अभी 12 मंथ की। तो अभी इससे पप्पी तो नहीं आपने कभी? नहीं नहीं, अभी पप्पी नहीं ली। ओके, तो वैसे भैया बेस्ट टाइम क्या रहता है एक फीमेल से पप्पी लेने के लिए? वो तो बच्चे मेरे पास कुछ नहीं है। 18 मंथ। वो देखो भैया बना रहा है सवाल मानता। अरे भैया को पकड़ो, मुझे डर नहीं लगता पर इसने। ओ भाई, मैं तेरा दुश्मन को बांधता भैया इसको। नहीं नहीं, कुछ नहीं करती तो अभी फिलहाल भैया आपने जो बड़ा मेल है उसको अंदर छोड़ा है, तो अभी हम घर के अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इतनी बड़ी जो ब्रीड है वो घर पे इजीली रह लेती है, जो कि सबसे मेन फोकस मेरे आज इस वीडियो का है। तो मैं अभी आपको वो चीज दिखाता हूँ। अब ये देखो, अभी फिलहाल हम है इनके जो सोफा रूम होता है ना उसके अंदर है, और अभी ये बैठा है हमारा फर्श। अभी देखो ये कितना फ्रेंडली है कि आप उसको एक रूम के अंदर आप इजीली उसको रख सकते हैं। ये ज़्यादा इतना भी बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा है वैसे, ये चीज़ को तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास जगह है तो तभी इस ब्रीड को लेना और इसका तुम देखभाल कर सकते हो। इसकी डाइट कितनी होगी भैया आपके हिसाब से? डाइट ये सारा दिन में 500 से 600 ग्राम डॉग फूड खाता है। ओके, और अगर नॉर्मली आप इसको बॉयल एग दें तो बहुत अच्छा बैटर। नहीं, इतना ही है, मैं आपको ऐसे नहीं बोलता। अगर बॉयल एग हो रहा है आपका पेडिग्री चिकन एंड मिल्क पे रखते हैं। okay. ये इस टाइम प्रेजेंट है, ये पेडिग्री चिकन एंड मिल्क। अच्छा, फिर भी इसकी आप जो देख सकते हो ये जेनेटिकली भी बहुत अच्छी चीज होती है। लाइन बहुत बड़ी चीज है ना, जो लाइन तो है, बिना लाइन के आप, क्योंकि कई डॉग अब जैसे इसके जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली इससे इतने जितने ही लंबे चौड़े निकले गए हैं ना। ये भैया का एक ऑफिस बनाया है भैया ने, जिसके अंदर ना मतलब ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज है, नेक्स्ट लेवल सारी ट्रॉफीज पड़ी हैं। तो भैया यार ये FCI क्या है? मैंने KCI तो सुना ही, FCI कौन सी वो है फेडरेशन? ये फ्रांस के क्लब का है। ओके, ठीक है, ये इंटरनेशनल डॉग शो का है। ओके ओके, देखिए ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल डॉग शो, जो ये गौरव सिम्बा ने सैन बर्नार्डो ने मेरा जी। अच्छा, जो इंटरनेशनल चैंपियन बना था, जो इंटरनेशनल चैंपियन बना था, ये हमारे को 4 कासिफ चाहिए होते हैं। ओके, दो जिसमें ये कासिफ विन किए हुए हैं और दो यहाँ पर है। अच्छा, दो ये चेन्नई के हैं, वो बेंगलोर के हैं। ओके, हाँ, तो ये 4 कासी मिले थे तब इंटरनेशनल शो में। हाँ, चैंपियन बना था। अच्छा, क्या इंटरनेशनल शो इंडिया में भी होते हैं? हाँ, इंडिया में एक होता है, साल में एक शो होता है बस। ओके ओके ओके, तो वो कहीं पे भी हो सकता है इंडिया में। क्या फिलहाल निकलते हैं घर के लिए, और अभी घर जाके ना मैं बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि ओरियो नहीं दिख रहा, ओरियो नहीं दिख रहा, तो आज जाके घर पे ओरियो को दिखाता हूँ और सारा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा इन डॉग्स के साथ वो घर पे जाकर शेयर करता हूँ। अभी फिलहाल घर आ चुके हैं और ये घूम रहा है हमारा ओरियो, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। यार इसको ना बड़ा होता देख के ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, और धीरे धीरे करके इसकी सारी मतलब यादें मेरे साथ जुड़ती जा रही हैं जैसे जैसे करके बड़ा हो रहा है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि क्यों ना डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिए जाए, और जैसे ही आप मेरे को 100K पे पहुंचाते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि डेली व्लॉग शुरू कर दे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर ले आप चैनल को, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम हो गया 100K वीडियो सारी कवर कर रही है बट मेरे सब्सक्राइबर 100K नहीं हो रहे। और यू मेरे 100K सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो रहे? हमारे 100K सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो रहे? कब होंगे? कल या परसों? नहीं भाई, परसों मतलब करवा दो यार, इस महीने तो करवा दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।